वर्षों से बबीना की जल निगम रोड की हालत खस्ता है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। अब जब बरसात शुरू हो गई है इसलिए सड़क की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। गड्ढों में पानी भर जाते हैं जिनसे पैदल राहगीरों का निकलना अब दूहर हो गया है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि दो पहिया और चार पहिया चालकों को कितनी मुशक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। आपको बता दें कस्बा बबीना के सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र शास्त्री नगर के लिए ज्यादातर लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 से जुड़ा हुआ है। शास्त्री नगर के अलावा लोग इस मार्ग को इस्तेमाल आसपास के ग्रामों में आवागमन के लिए भी करते हैं। जब से इस सड़क का निर्माण हुआ है तब से अब तक इस सड़क के पुनः निर्माण व मरम्मत की ओर न तो जल निगम का ध्यान गया है और न ही लोक निर्माण विभाग का। जब लोग इस सड़क के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के पास जाते हैं तो लोक निर्माण विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है कि ये रोड जल निगम वालों का काम है, और जब लोग जल निगम के पास जाते हैं तो जल निगम वाले जवाब नहीं देते। तो आखिर कौन करेगा ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान? क्या इसी प्रकार राहगीरों को करना पड़ेगा दिक्कतों का सामना? PLL News के लिए बबीना से नईम खान की रिपोर्ट।